जैसे आप मेरी ब्लड सीरीज सुन रहे हैं, आप बड़ी आशा के लिए तैयार हो रहे हैं। अरे उसने कहा, पढ़ के देख मैं कितना भला हूं। आपने सोच भी कैसे लिया कि आप अन्य जाति लोग जो जैसे आंखें देखना चाहती देखती है, जैसे मुंह बोलना चाहता है बोलता है, जिसे श्राप देने को मन कर रहा है श्राप दे रहे हैं, कोई दुखी करे तो कोई श्राप दे रहा है। पर अगर हम मसीह में दुख देने वालों को आशीष दे रहे हैं, आंखों पर कंट्रोल कर रहे हैं, गालियां नहीं दे रहे हैं, किसी का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, किसी की खिलाफत नहीं करते, किसी की चुगली नहीं करते, दुश्मनों से भी प्यार करते हैं, और वो सब बातें जिस पे आप चलते हैं आपका मन आपको बता रहा है, सोचो क्या परमेश्वर आपको आशियों के बिना छोड़ सकता है? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। तो हमें क्या करना है? पवित्र आत्मा को सहयोग करना है। अपनी बुलाहट के लिए हमें पवित्र आत्मा के साथ सहयोग करना है, क्योंकि पवित्र आत्मा क्या चाहता है? वो आपको पवित्र करके, आपको सामर्थ्य अभिषेक करके उपयोग करना चाहता है। इस लाइन को लिख लेना। तो हम आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर की हजूरी में। आप चाहे मसीह में थे, चाहे आप कभी भी चर्च नहीं गए थे, पर अगर आज आप पहली बार और चर्च में आए हैं, मेरा बिलीव है जैसे ही आज आप जाएंगे, उस ले हैंड को लेके जाएंगे, आज आप इस प्रेयर को सुन के जा रहे हैं, वचन को सुन के जा रहे हैं, आपकी जीवन, आपका जीवन जीने लायक हो जाएगा। हालेलुया। कई बार लोगों को लगता है मेरा जीवन जीने लायक नहीं है, मेरा जीवन मैं इसे पसंद नहीं करता, ये लायक जीने लायक नहीं है, ये बहुत बेकार है मेरा जीवन। आज से आप अपने जीवन को लव करना शुरू कर देंगे। हालेलुया। खुदावन, ये परफेक्टिक वर्ड है आपकी लाइफ के लिए, मेरा बिलीव है आप इसे रिसीव कर चुके हैं। हालेलुया। ओके, आज के वचन की ओर हम बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले जो सीरीज हम सीख रहे हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा, और संडे हमने क्या सीखा उससे हम शुरू करेंगे, आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। तो आप मेरी ब्लड सीरीज सुन रहे हैं। मेरी ब्लड सीरीज में आपने बुलाहट क्या है आपने सीखा, परमेश्वर किन लोगों को बुलाहट में चुनता है, कैसे लोगों को चुनता है, और हम कैसे समझे परमेश्वर ने हमें किन कामों के लिए चुना, इससे हमने शुरुआत किया था कि उसने जगत के मूर्खों को चुन लिया। कि कैसे आप जब बुलाहट में चुने जाते, उससे पहले आपके हालात कैसे होते हैं, आपके ऊपर कितना प्रेशर होता है, पर आप चुने हुए होते हैं, और वो जब आप टूट रहे होते हैं मसीह में आने के बाद भी, आप एक टूटा हुआ जीवन के, अब मैं टूट रहा हूं, मैं मेरी फैमिली में मैं टूट रहा हूं, मेरे फाइनेंस के कारण मैं टूट रहा हूं, मेरी मैरिज के कारण मैं टूट रहा हूं, मेरे बेबी नहीं मैं टूट रहा हूं, मैं आत्मिक जीवन के लिए टूट रहा हूं, पवित्रता में खड़े होने के लिए टूट रहा हूं, इन हालातों से, इन कर्जों से, इन जॉब के बिना, इन बातों से मैं अपनी लाइफ में बहुत टूट रहा हूं, इस प्रेशर के बिना, इस बेबी के बच्चे के नशे के कारण, भाई के इस केस के कारण, इस मसले के कारण। कई बार आप मसीह में चलते चलते टूट रहे होते हैं, और आपको मैंने बताया था कि जब आप टूट रहे होते हैं, खुदा आपको जब टूट रहे होते हैं, खुदा आपको मसा देने के लिए तैयार करता है, क्योंकि मसा देने से पहले परमेश्वर आपको तोड़ता है, और फिर वो अपना मसा आपको देता है अपनी बुलाहट को पूरा करने के लिए। हालेलुया। तो उसके बाद आपने सीखा था कि बुलाहट के बिना, पवित्रता के बिना आप अपनी बुलाहट को पूरा नहीं कर सकते। जितना समय आप पवित्रता में रहते हैं उतना ही समय आप अपनी बुलाहट में चल पाते हैं, और आपके लिए छुटकारों की प्रार्थनाएं लगातार हो रही हैं, की गई कि आप छुटकारों को ग्रहण करें और पवित्रता में खड़े हों। हालेलुया। पवित्रता में खड़े होने के लिए फिर क्या करें, कैसे स्टेप लें, कहां पर अलर्ट रहें, कहां चौकस रहें, और लक्ष्य क्या है मेरी बुलाहट में, और आप उन चीजों को आपने सीखा। हालेलुया। लास्ट मीटिंग में आपने सीखा कि बुलाहट में और पवित्रता में के लिए आपने गहरी बातों को सीखा, शैतान कैसे गिराता है, कहां अलर्ट रहना है, कैसे खड़े होना है पवित्रता में, ताकि वो आपकी बुलाहट में आपको यूज कर पाए। और उसके बाद लास्ट मीटिंग में, संडे मीटिंग में मैंने आपको सिखाया, अगर आप संडे नहीं आपने वचन सुना, तो संडे जो वचन था कि आपकी जब आप बुलाहट में चलते हैं और पवित्रता में चलते हैं, कई लोग सोचते मुझे क्या फायदा बुलाहट में, पवित्रता में क्या होगा मेरी लाइफ में। जब आप बुलाहट में पवित्र जीवन के साथ चलने के लिए सीरियस होकर चलते हैं, तो परमेश्वर आपको बुलाहट में, बुलाहट और पवित्रताई, बुलाहट पवित्रताई और विश्वास आशीषित जीवन आपके जीवन में लेकर आता है। मेरा बिलीव है आप इन वचनों को पढ़ चुके होंगे जरूर घर जाके,
अगर अभी भी नहीं पढ़े तो आप इसे पढ़ना, और इन वचनों से मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूंगा आपने उसे समझना है आत्मा से। तो जैसे आप अपनी बुलाहट और पवित्रता में चलते हैं, आशीषित जीवन आपकी लाइफ में आता है। आपको पता है, ये पास्टर समझ पाएंगे इन चीज को, ये जो ब्लेस हुए बोल इन समझ पाएंगे, जो अभी नहीं हुए उनको ये नहीं पता, पर उनको ये बिलीव करना है। जैसे आपने बिलीव किया था, विश्वास करो कि तुम पवित्रता में लंबे समय खड़े किए जाओगे, इसी तरह आपको ये बिलीव करना है कि जैसे आप बुलाहट में पवित्र जीवन में जी रहे हैं, तो आपकी बुलाहट पवित्रता के साथ बुलाहट में चलना। आप एक बलिदान होके चल रहे हैं, आप दूसरों की तरह पाप नहीं कर रहे हैं। जब मेरी लाइफ में मैं देखता था, मुझे आज वो टाइम याद आ रहा है, जब मैं रात को अपने काम से आने के बाद हम प्रार्थना में इकट्ठे होते थे, हम कुछ नौजवान जूत रात को 2-3 घंटे संगति में इकट्ठे होते थे, प्रार्थना करते थे, वचन पढ़ते थे, वर्शिप करते थे, फिर आपस में एक दूसरे का काउंसलिंग करते थे, कुछ शेयर करते थे ताकि हम मजबूत होते जाएं मसीह में। तो उस समय जो हमारे फ्रेंड सर्कल में लोग थे, कोई गेड़ियां मारता था, कोई घूमता था, कोई सिनेमा जाता था, कोई बाइक में घूमता था, कोई अच्छी तैयारी तुरी करके कोई जिम जाता था, कोई ये करता था, कोई वो करता था, कोई मतलब अपनी लाइफ में इंजॉय करने में कोई बिजी थे लोग अपनी लाइफ में, और हम उस समय मर रहे थे पवित्र बलिदान के रूप में। सोचो, जो एक व्यक्ति पवित्र बलिदान के लिए परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए संसार से अलगता का जीवन जी रहा है, क्या खुदा उसे संसार से बढ़कर आशीषित नहीं करेगा? आप मैंने कहा एक बड़ी आशा की ओर बढ़ने के लिए तैयार हो रहे हैं यीशु के नाम में, कभी नहीं छोड़ेगा वो। इसका मतलब बुलाहट में चलना, पवित्रता में चलना, जैसे मैं अपनी बुलाहट और पवित्रता में चला, आज मैं एक आशीषित जीवन जी रहा हूं। आशीष का मतलब पैसा ही नहीं है, पैसे में तुम आशीषित होंगे, मानसिक रूप में तुम आशीषित होंगे, तुम फिजिकल रूप में आशीषित होंगे, तुम फैमिली रूप में आशीषित होंगे, तुम हर चीज में वस्तु के रूप में हर अच्छी चीज के साथ आशीषित होंगे, तुम आत्मिक जीवन में दानों वरदानों के साथ, अच्छी चर्च के साथ, अच्छी टीम के साथ, अच्छी लोग के साथ, अच्छे डिपार्टमेंट के साथ, अच्छे हर चीज के साथ तुम आशीष, इसे बोलते आशीष। हालेलुया। अगर अक्जूब की लाइफ में आशीष की बात की गई तो वो धनी था, जब दुगना करके दिया तो उसे बच्चे दिए, 7 बच्चे दिए उसे, उसे बेटे बेटियां दी, अच्छी पत्नी दी, समझ पा रहे हैं? वो सब आशीषों के रूप में उसकी लाइफ में आया। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे जिससे कभी ना उतरने पाए, दिन रात मनन करना, ऐसा करने तेरे सब काम सफल होगा, तू प्रभावशाली होगा। क्या मतलब? तुम आशीषित होगा, तेरा प्रभाव बढ़ेगा, तेरा नाम होगा दुनिया में, तेरी महिमा को बढ़ाऊंगा मैं अगर तू मेरी महिमा के लिए जिएगा। क्या वायदे नहीं किए? इसका मतलब जो लोग, ये आपके लिए भी जरूरी था इसलिए मैं यहीं से शुरू कर रहा हूं, जो लोग सोच रहे हैं मैं सेवा कर रहा हूं, मैं प्रभु के लिए जी रहा हूं, वॉलंटियर में आ रहा हूं, मैंने अपनी जॉब छोड़ दी, मैं सुसमाचार के लिए जा रहा हूं, मैं दिन रात जाकर फ्लैक्स लगाता हूं, पोस्टर लगाता हूं, सुसमाचार के लिए जाता हूं, मैं चर्च में आके सेवा कर रहा हूं, अपना सब कुछ छोड़ के चर्च में आ रहा हूं, सह रहा हूं और सेवा कर रहा हूं, मैं सेवकाई का जीवन जी रहा हूं, मैं लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, मेरी लाइफ में ये क्यों नहीं हो रहा है, मेरे ये दुख क्यों नहीं जा रहे? डोंट वरी, प्रभु आपको तोड़ रहा है क्योंकि वो मसा देना चाहता है। ये आपकी लाइफ का हिस्सा नहीं है, ये आपके हालात नहीं है, ये आपके हालात आने वाली लाइफ की तैयारी है, ये आपकी लाइफ नहीं है। कई लोग सोचते हैं ये मेरी लाइफ है, जब मैं मसीह में आया था मैं कपड़े वाले शोरूम में पोछा लगाता था, जब मैं शीशे साफ करता था, जब मैं 2,500 सिर्फ महीने का कमाता था, और जब मेरी बहन डिप्रेशन में, फैमिली की चिंताएं थी, गरीबी की चिंताएं थी, जब मेरी लाइफ में कोई, मैं सीखने के टाइम मुझे काम करने पड़े थे, जब मैं अपनी लाइफ में पढ़ाई लिखाई कुछ सीखना चाहता था तब मुझे जिम्मेवारियों ने घेर लिया, और ऐसी लाइफ को देखकर मैं सोचता था क्या यही मेरी लाइफ है? पर वो मेरी लाइफ नहीं थी, वो मेरी आने वाली लाइफ के लिए एक तैयारी थी, मेरी एक गवाही का हिस्सा था। हालेलुया। इसी तरह आपकी लाइफ, आप देखने वाले यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। तो ये याद रखो, आज नहीं तो कल तुम्हें बिलीव करना होगा। मैंने हारते हुए देखा, ओ क्या फायदा हुआ मसीह में पवित्रता में चलते हुए। जैसे दाऊद कहता है, मैं पवित्रता में चला, धार्मिकता में चला, पर मैंने देखा अन्य जाति जो व्यक्ति है वो ब्लेस पर ब्लेस हो रहा है, उसकी मृत्यु में वेदना ही नहीं होती, उनमें दुख नहीं, उनमें कष्ट नहीं है, वो रिस्पुष्ट जीवन जी रहा है, पर मैं पवित्रता में मर रहा हूं, प्रेयर में मर रहा हूं, उपवास में मर रहा हूं, संगति में मर रहा हूं, अलगता में मर रहा हूं, फास्टिंग में मर रहा हूं, आंखों के लिए मर रहा हूं, बोलने के लिए मर रहा हूं, लंबे टाइम प्रेयर में लिए मर रहा हूं। कहता मेरे डग उखड़ने वाले थे, मेरा विश्वास खत्म होने वाला था, पर मैंने जब पवित्र स्थान में जाके, परमेश्वर की उपस्थिति में जाके, जब बाहरी स्थान में आप प्रेयर में रहते हैं
तब आपको बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, वैसा क्यों, वैसा क्यों। जैसे तुम पवित्र स्थान में पहुंचते हो तुम्हें सब बातों का आंसर मिल जाता है। और जब वो पहुंचो से आंसर मिला कि जो दुष्ट आज तुझे ब्लेस होता आ रहा है, कल ये आज उन लोगों को जो मैं ब्लेस हो देख रहा, कोई तो लड़ाई झगड़े में मर गया, किसी का कत्ल हो गया, कोई किसी चीज में, कोई किस चीज में, कई लोगों की लाइफ में मैं बोल नहीं सकता, उनकी लाइफ डिस्ट्रॉय हुई और वो वहीं के वहीं रह गए जो उस समय नजर आ रहे थे। प्रभु ने कहा आज जो रो रहे हैं कल वो हंसेंगे, पर आज जो हंस रहे हैं कल वो रोएंगे। आपको यीशु के मुंह से वचनों को भी पता है आपको, और ऐसे ही हुआ। तो इस समय दाऊद कहता है मेरे उखड़ने वाले थे डग, मेरा विश्वास फिसलने पर था, पर जब मैंने पवित्र स्थान में किया तो मैंने जान लिया कि तुम मेरी मरने का रिजल्ट आने वाला है। और दाऊद का रिजल्ट कितनों ने देखा, शाटस लड़ाइयां लड़ रहा है, शाटस जीत रहा है, एक महान योद्धा, एक महान राजा। मैंने तो ये दिया वो दिया, ये दिया वो था, थोड़ा था और देने वाला था, इसका मतलब कितना कुछ था उसके पास। इसका मतलब आप इतना तो आज बिलीव कर चुके होंगे। इस वचन क्या करता है, आपका विश्वास बढ़ाता है, और विश्वास आपको आपका चमत्कार देता है। अगर आप बिलीव नहीं कर सकते मुझे मेरी लाइफ में आशीष जीवन आएगा, आज की प्रोफेटिक ज्यादा है आशीष के लिए। जो आशीषें आज तक आपकी लाइफ में एंटर नहीं हुई, वो आशीषें आज की मीटिंग के बाद आपके जीवन में आनी शुरू होंगी यीशु के नाम में। और संडे का प्रोफेटिक वर्ड आपको याद है, जो काम, जो स्टोरी शैतान ने आपके जीवन की शुरू की है, उस स्टोरी में हो सकता है आपके एक दुख भरी लंबी स्टोरी है, मेरे इतने साल से बेबी नहीं हुआ, इतने मिसकैरेज हो गए, ये हुआ वो हुआ, फिर ऐसा एक लंबी स्टोरी है, एक दुख भरी स्टोरी, मेरी जॉब नहीं मिल रही, मैंने इतना ट्राई किया, इतना किया, इतना किया। एक मैंने सिस्टर की जॉब सुनी थी, गवर्नमेंट जॉब वाली, यहां पर चर्च में होके गई कुछ दिन पहले, इतनी लंबी स्टोरी थी उसकी। तो जो दुख भरी स्टोरी, ये परमेश्वर ने शुरू नहीं की, ये शैतान होता है स्टोरी के पीछे। डिले, फेलियर, नाश, विनाश, खत्मा, बीमारियां, दुख, निश्चिंताएं, निराशाएं, जो दुख भरी स्टोरी मैंने कहा शैतान ने आपकी लाइफ में आरंभ की है, मेरा परमेश्वर उसे खत्म कर चुका है आज के दिन यीशु नाम में। अगर उसे आज आप सुन रहे तो ये आज आपके लिए है। वो दुख भरी स्टोरी जो शैतान ने शुरू की थी, मेरा परमेश्वर उसे खत्म कर चुका है, और मेरा परमेश्वर आपकी नई स्टोरी लिखने जा रहा है जो आपकी टेस्टमनी के बाद शुरू होगी। हालेलुया। जो दुख भरी स्टोरी आपकी थी, वो ही दुख भरी स्टोरी आपकी गवाही का हिस्सा बनने जा रही है शनासे के नाम में। क्योंकि जैसे आप आमीन बोलते हैं, परमेश्वर फिर काम कर रहा होता है। एक दिन जब मैं पाप में गिरा हुआ था, नए नए मसीह में था, गिरने के बाद उठने का पता नहीं था कैसे होगा, उठने की कोशिश कर रहा नहीं उठ रहा, पर चर्च में आ रहा है, अभी प्रचारक प्रचार कर रहे प्रभु के दास, और मैं अभी अपने जोड़ा घर में अपनी जुत्ती उतार रहा हूं, वहां पर दे रहा हूं, और वहां पर प्रोफेटिक वर्ड हो रहा है, जो गिर चुके हैं उनके खड़े होने का दिन है। मैंने वही जोड़े उतारते हुए मुस्कुराते हुए जो मुरझाया सा चर्च में आया था, मैंने कहा आमेन, और उसके बाद गिरने के अटैक नहीं हुए मेरी लाइफ में। हालेलुया। ऐसे प्रोफेटिक वर्ड काम करते हैं जिससे आप विश्वास करके आमीन बोलते हैं। वो प्रोफेटिक वर्ड है, वो आपकी स्पिरिट में डिलीवरेंस करते हैं, ब्लेसिंग लेके आते हैं, आशीष वो ठहर जाती है। हालेलुया। तो मेरे ख्याल से आप समझ चुके हैं, आज मैंने देखा जो भी प्रभु के लिए काम करते हैं। मैंने पास्टर को मरते भी देखा, अपने स्पिरिचुअल सन्स को, जब मैं उन्हें गाइड करता हूं, जब मैं खींच खींच के ऐसी मीटिंगों में लिया लिया, कभी फास्टिंग, कभी ये, कभी वो, कि वो मसा पाए और खुदा का काम बढ़े। और जब मैं उन्हें रोते हुए देख रहा हूं, और जब मैं उन्हें बढ़ते हुए थे फिर देखता हूं आशीषों में, तब सचमुच मैं देखता हूं परमेश्वर जितना हमने मरा होता है उससे अधिक 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 खुदा हमें देता है फिर। हालेलुया। तो इस चीज को याद रखना, तो बुलाहट और पवित्रता ही आपकी लाइफ में आशीषित जीवन को लेके आते। कितने लोग समझ चुके, सीख चुके इस बात को। ओके, तो मैं इसके लिए अब मैं आपको एक लाइन और दूंगा। अपनी बुलाहट के लिए आपको पवित्र आत्मा का सहयोग करना है। मेरी बुलाहट टीचिंग 8। अपनी बुलाहट के लिए आपको पवित्र आत्मा के साथ सहयोग करना है। मेरी बुलाहट के लिए मुझे अब पवित्र आत्मा के साथ सहयोग करना है। क्यों? बुलाहट किसकी है? परमेश्वर की। किसके लिए? तुम्हारे लिए। सहायता कौन करेगा उसे पूरा होने के लिए? पवित्र आत्मा। और सहयोग किसको करना है? तुझे, मुझे। कितने समझे? तो आपको सहयोग करना है। और ये लाइन कहां से निकलती है कि मेरी
अपनी बुलाहट के लिए हमें पवित्र आत्मा के साथ सहयोग करने, क्योंकि बुलाहट परमेश्वर की है। बुलाहट मतलब इच्छा, मतलब परमेश्वर की ओर से देखा जाए तो इच्छा। अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, गिदोन को बुलाया, सूरवीर सूरमा, मूसा को पहाड़ पर बुलाया, मेरे इसराइली लोगों को छुड़ा, यीशु मसीह को पिता की इच्छा पूरी करने के लिए भेजा, मारा गया, गाड़ा गया, कब्र में रह गया, जी उठा, पाप को खत्म किया। पत्रस को चुना कलीसिया स्थापना के लिए, पौलुस को चुना, मैं रास्ते में रोका, प्रभु के लोगों को सता रहा था, आज से तो मेरे लिए दुख उठाएगा, मेरे नाम का सुसमाचार प्रचार करेगा, अन्य जातियों में जाएगा। पौलुस कहता मुझे बपतिस्मा देने के लिए नहीं, अन्य जाति में जाने के लिए चुना है खुदा ने, मतलब प्रभु की इच्छा। नहेमिया टूटी हुई शहरपनाह को बनाने के लिए खुदा ने चुना, हलचल पैदा हुई, चुन लिया बुलाहट में, चुना नबी चल जाके उनके प्रचार के, उनके पाप के विरुद्ध प्रचार कर। समझ पा रहे हो बुलाहट, मतलब एक व्यक्ति जो परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए अपने आप को खुदा को दे दे और उस इच्छा से भागे ना, जैसे जुना नबी का मुझे नहीं जाना प्रभु, वहां तो मार देंगे। नहेमिया को डर था कि उसकी जान का, उस शहरपनाह को बनाते हुए धमकियां मिली, उसे धमकियां मिली, पर डटा रहा वो अपनी बुलाहट में, 52 दिनों में शहरपनाह को बना दिया। हालेलुया, यही तो होती है बुलाहट। नूह की बुलाहट थी, सब लोगों को परमेश्वर ने कहा चल मेरी इच्छा पूरी कर, सबको एक किश्ती बना, जहाज बना, उसमें सभी जोड़े जानवरों के ले जा, और मैं दुनिया पर 40 दिन रात बारिश करूंगा, सारी दुनिया को तबाह कर दूंगा पानी के द्वारा। और नूह ने उस इच्छा को पूरा किया, लोग नूह पर हंस रहे थे उस बुलाहट में चलते हुए, ओए ओए पागल हो गया, मूर्ख हो गया, बारिश की बूंद तक नहीं, 3 सालों से तू कह रहा बारिश आएगी, कहता मन फिरा लो, आजो आजो मन फिरा लो, खुदा नाच करने वाला है। हंस रहे थे लोग उन पर। इसलिए जब तुम अपनी बुलाहट में चल रहे हो, हर संडे चर्च, बुधवार चर्च, घर में प्रार्थना, अलग तरह का जीवन, दूसरों की तरह नहीं जीना, और कभी अन्य जाति आपको टॉन्च मार के कुछ बोलते हैं, सोच लो जिस तरह नूह को लोग बोल रहे थे मुझे बोल रहे हैं, पर खुदा अपने वायदे का सच्चा है, जब वो अपने वायदे को मेरे द्वारा पूरा करूंगा मैं हंसूंगा और ये लोग रोएंगे। हालेलुया, समझ पा रहे हैं? बुलाहट मतलब प्रभु की इच्छा पूरी करना। तो कौन आज प्रभु की इच्छा पूरी करने के लिए समर्पित करेगा जो पहली बार सुन रहा है? हालेलुया, कुछ ना कुछ तो है परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में, उस इच्छा को पूरा करना। मतलब आप सेवक भी हो, अरे आगे प्रभु की इच्छा क्या है आपके लिए, कहां जाना, क्या करना, कुछ नया क्या करना। जैसे हमने प्राप्त किया फुल नाइट प्रेयर करो, तो देख के किसी को शुरू कर देना ये अलग बात है, डिफरेंट बात है, पर प्रभु की इच्छा को खुद खुदा बोले और पूरी डिजाइन करे उस मीटिंग के लिए एक टीचिंग के द्वारा, तो उसमें हम कुछ अद्भुत देखते हैं। हालेलुया, बहुत अद्भुत देखते हैं। तो अपनी बुलाहट के लिए अपने आपको पवित्र आत्मा के साथ सहयोग करना, तो यह है बुलाहट, प्रभु की इच्छा पूरी करना। ओके, तो ये किस वचन से निकलता है? ये लाइन पढ़ेंगे हम, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में भले कामों को करने के लिए सिरजे गए हैं। पुट्ठे काम करने ले, जब भले काम करने के लिए, भले काम करने के लिए हम सिरजे गए। तो जो लोग बुरे काम कर रहे पृथ्वी में, वो परमेश्वर की बुलाहट से दूर है, वो परमेश्वर की इच्छा नहीं, वो अपनी इच्छा पूरी कर रहे हैं, अपनी शरीर की इच्छा, आंखों की अभिलाषा, अपनी मन की इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। पर तूने जो अपनी मन की इच्छा को क्रूस पर चढ़ा दिया है कि मैं प्रभु की इच्छा को जानूं और उसे पूरा करूं, क्या वो तुझे आश्रित जीवन नहीं देगा, उनसे अलग आश्रित नहीं करेगा? क्या बाइबल में परमेश्वर ऊपर के ऊपर जिन लोगों ने भरोसा किया, इसराइल ने, परमेश्वर के लोगों ने, दासों ने, नबिया ने, एलिया ने, अब्राहम ने, क्या परमेश्वर ने विरोधियों के सामने उन्हें ऊंचा करके जीत दिला के खड़ा नहीं किया? क्या परमेश्वर साबित नहीं करता था इन्होंने मेरे ऊपर भरोसा लगा, देखो मैंने इनके साथ इन्हें छुड़ाया और चमत्कार किया? क्या परमेश्वर आपकी लाइफ को साबित नहीं करेगा? आपको बिलीव से जीना है। मसीह यीशु में भले कामों के लिए सिरजे गए, जिसे जिन्हें परमेश्वर ने पहले से ही हमारे करने के लिए तैयार किया है। वो भले काम, वो इच्छा पूरी करने के लिए आप पहले ही से चुने गए हैं। आप कहते कैसे? जैसे वचन बोलते हैं, मां के गर्भ के पेट में ही उसने मुझे चुन लिया, नाम लेके बुलाया। जैसे पौलुस कहता है, मैं तो मसीह के लोगों को सताने वाला था, पर जब उसकी इच्छा जाहिर हुई, उसने मुझे दर्शन दिया, चुन लिया, तो मैंने जाना मैं पहले ही से इस काम के लिए चुना गया था। जब परमेश्वर की इच्छा हुई कि वो अपने आप को मुझ पर प्रगट करे, तो उसने ये काम मेरी लाइफ में किया। समझ पाए?
आप चुने हुए हैं भले कामों के लिए। परमेश्वर ने जो पहले से करने के लिए आपके लिए तैयार किया है, पवित्र आत्मा आपको दिया गया है उस कामों को करने के लिए सहायता के रूप में, लिख लेना। मैं जाता हूं, तुम एक सहायक देता हूं, तुम नहीं जानते उस ब्लड को कैसे पूरा करना, परंतु मेरी पवित्र आत्मा तुम्हारी सहायता करेगा। परंतु वह सहायक आएगा, वह तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, वह तुम्हें पाप के विषय में, धार्मिकता के विषय में सिखाएगा। पवित्र जीवन जीने के लिए तुझे खड़ा करेगा कौन? पवित्र आत्मा, तेरी बुलाहट के लिए। मैं तुझे पाप के विषय में और धार्मिकता के विषय में हिलाएगा, तुझे कायल करेगा, तुझे और सिखाएगा पाप से मन फिराना, धार्मिकता में खड़े होना, ताकि तुम उस काम के लिए उपयोग हो सको जिसको करने के लिए तुम पहले से बुलाए गए हो। तो क्या पवित्र आत्मा की सहायता? पवित्र आत्मा की सहायता, तो पवित्र आत्मा उसके लिए सहायता करता है। तो अब उस टॉपिक को फिर से स्क्रीन पर रखेंगे। बाप को पवित्र करके आप किसके लिए? आपकी बुलाहट के लिए। यीशु के लिए पवित्र आत्मा क्या कर रहा था? पिता के लिए पवित्र आत्मा क्या कर रहा था? आकाश बन जाए, पवित्र आत्मा आकाश बन गया, पवित्र आत्मा कार्य कर रहा था। यीशु के लिए पवित्र आत्मा क्या कर रहा था? सहायता के लिए आ रहा था, बल दे रहा था, सहायता करता था प्रार्थना के लिए, हर बात में स्ट्रांग होने के लिए, बुलाहट को पूरा करने के लिए। पिता के साथ बातें करता था, हो सके तो प्याला टल जाए, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। बुलाहट मुश्किल लग रही है, जान देना, कोड़े खाने, क्रूस पर मारा जाना, पर मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो खुदावन। इसलिए कई लोगों को बुलाहट में चलना मुश्किल लग रहा है। ये क्या पवित्र बलिदान के रूप में 27 तारीख को आना, इतना मरना, क्या मेरी इच्छा ही नहीं है? पर यीशु ने कहा, पिता मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। लेकिन पवित्र आत्मा यीशु को जंगल में ले गया कि वो तोड़ा जाए। जब तोड़ा गया, उसके बाद यीशु ने कौन सा वचन बोला? प्रभु ने मेरा अभिषेक किया है, उसने मुझे कंगालों को सुसमाचार चलाने के लिए, लंगड़ों को चलाने के लिए, कि मैं कुछ लोगों को आजाद करूं, बंधनों को, बंदियों से को रिहाई करूं। समझ पा रहे क्या अभिषेक? इससे पहले क्या? यीशु को आत्मा जंगल में ले गया कि शैतान परीक्षा हो, फास्टिंग में तोड़ा जाए यीशु मसीह। और उसके बाद क्या है? उसने कहा, खुदा ने मेरा अभिषेक किया, फिर उसके बाद सेवा शुरू हुई। उसने कहा मुझे अभिषेक किया, मतलब अभी कहता मुझे अभिषेक किया, अब तुम देखोगे कि मैं कैसे लोगों को छुड़ा रहा हूं, कि खुदा ने मेरा अभिषेक किया है। हालेलुया। अब समझ पा रहे हैं बुलाहट के लिए अभिषेक का रोल। अपनी बुलाहट के लिए आपको तो पवित्र आत्मा का सहयोग करना है, इस वचन से आप जान चुके हो। तो आओ हम कैसे सहयोग करना है, अब हमें क्या करना है। बुलाहट में पवित्र बलिदान और उपवास प्रार्थना परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर आते हैं, ये आज का टॉपिक है। और वो जो वचन दिया गया हमें पवित्र आत्मा के साथ सहयोग करना है, उस अब वो वचन इस टॉपिक में आपकी मदद करेगा, उसको याद रखना। आपको एक लाइन को समझने के लिए और लिखने के लिए आपके सामने पवित्र आत्मा की सहायता की जरूरत होती है। एक लाइन में इतनी सामर्थ होती है, जो मैं टॉपिक देता हूं, अगर आप उसे लाइन को मनन करें, आप समझ जाते प्रभु क्या चाहता है अब आप अगले दिनों में, और अगुए का काम है। और मैं ऐसे आज फील कर रहा था जैसे इजरायली लोगों को परमेश्वर ने मूसा को चुना और कहा इजरायली लोगों को छुड़ा के लेके आ, और इजरायली लोग एक बुलाहट के लिए थे, पर कुछ लोग रास्ते में कुड़कुड़ 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 करते रहे, नाश होते रहे, कभी सांप मार रहे उन्हें, कभी रोग मार रहे उन्हें, कभी कुछ मार रहे उन्हें। समझ पा रहे? इसी तरह आप एक बुलाहट में जा रहे हो, 27 तारीख के लक्ष्य को जा रहे हैं, फुल नाइट प्रेयर में एंटर होने वाले हैं पवित्र बलिदान के रूप में। तो उसके लिए अब आपको समझना है, तो बुलाहट में पवित्र बलिदान और उपवास प्रार्थना। बुलाहट पवित्र बलिदान आप सीख चुके हो कि हम स्थायी बुलाहट, मतलब आप सीख चुके हो आज। पवित्र बलिदान मतलब कि हम एक पवित्र बलिदान चढ़ाएंगे अक्टूबर महीना पवित्रता के लिए, पूरा एंड लड़ते हुए, मतलब बलिदान बन के आना है हमें 27 तारीख को। कौन से काम करके आना है आपको? तो पवित्र बलिदान के रूप में आपको आना है कि पवित्रता के लिए मर के आना है, पाप के लिए मर के आना है, पवित्र बलिदान के रूप में आना है। ओके, उसके बाद उपवास प्रार्थना। बुलाहट में पवित्र बलिदान और उपवास प्रार्थना परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर आते हैं। अब आपका लक्ष्य क्या होगा? आप बुलाहट में बढ़ रहे, पवित्र बलिदान में जी रहे,
अब इसमें क्या होने जा रहा है आगे? कितने लोग कुछ फास्टिंग में चल रहे हैं? हाथ उठा सकते, कोई अलग अलग तरह की फास्टिंग में आप चल रहे हैं, कोई कोई आपका फास्टिंग है, एक दिन नहीं, अगर आप आज का दिन नहीं, वैसे आप कुछ फास्टिंगों में चल रहे हैं कि मैंने 7 में चल रहा हूं, मैं 21 में चल रहा हूं, हाथ को उठा के रखे पूरा। ओके, 50% लोग हैं, प्रभु को धन्यवाद हो जिन्होंने खुद उपवास रखे हुए। और पर आज से चर्च उपवास प्रार्थना परमेश्वर की उपस्थिति को लेके आती है। अब मैं पहले बात करूंगा उपवास के बारे में। जैसे आप पवित्रता में चल रहे हैं तो फास्टिंग आपकी पवित्रता में मदद करती है, और इसलिए बोला, और अचानक से मैंने बोला हाथ उठाओ, तो इसका मतलब आपने ये समझ के रखे होंगे कि मैं पवित्रता की लड़ाई लड़ रहा हूं, फास्टिंग मेरी सेल्फ डेथ में मदद करेगी, नहीं तो मेरी शारीरिक इच्छाएं जाहिर होती रहेंगी, सुस्ती जाहिर होती रहेगी, खाना खाते हुए शरीर की इच्छाएं अभिलाषाएं प्रकट होगी, और फास्टिंग के बिना मैं लड़ नहीं कर पाऊंगा, ना नहीं कह पाऊंगा उन्हें। ओके, आज का टॉपिक है बुलाहट, और बुलाहट में पवित्र बलिदान उपवास और उपवास प्रार्थना का उपस्थिति को लेके आती है। अब मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा। जैसे एक व्यक्ति पवित्रता में चलने लग जाता है और फास्टिंग में पवित्र बलिदान में जी रहे, उपवास के बलिदान में जी रहे, दो बलिदान हो गए, और तीसरा बलिदान, ओके, मैं तीसरा बलिदान भी कंप्लीट कर दूंगा जो पिछली टीचिंगों से जुड़ा हुआ है, तो ही हम आगे बढ़ेंगे। मान लो मैंने संडे वचन दिया और आपको बाइबल वर्सेस दिए कि परमेश्वर आपको आशीष जीवन देगा, मतलब आपके ऊपर आत्मिक आशीषें आएंगी, तो बाइबल में जिन लोगों पर भी आत्मिक आशीषें आई उन्होंने आशीषों के मतलब बलिदान चढ़ाए उन्होंने अपने। तो व्हाइट गारमेंट्स मीटिंग में अगला काम हम क्या करेंगे? तो ये कई लोग बोलते हैं मतलब आशीष आपके जीवन में आएगी, समृद्धि, नीति वचन में लिखा है हृष्टपुष्ट जीवन तुम्हारा होगा, सब प्रकार के तुम आशीष पाएंगे। तो लिखा है जो थोड़ा बोता वो थोड़ा काटेगा, जो बहुत बोएगा वो बहुत काटेगा, जैसा तुम बोते हो वैसा तुम काटोगे। तो आशीष बोने के बिना नहीं है। तो अगला बलिदान कौन करेंगे कि मैं खुद उसमें तैयार उस बलिदान के लिए? अगला बलिदान जो हम बोने के बलिदान के साथ उस समय आएंगे। समझ पा रहे? एक तो आपके पास पवित्र बलिदान है, मैंने रियलिटी मेरी लाइफ के पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब आप सेल्फ डेथ और बलिदानों में जाते हैं खुद आपको कितना बढ़ाता है, ग्रेस देता है। और वो जो ग्रेस जब आप अपनी लाइफ में पहले नहीं, जब आती है तब आपको पता चलता है कि ये उन चीजों का असर है जो मैंने बीते समय में किए। जब परमेश्वर के भवन के कार्य को शुरू किया था उसके पीछे 20% और बढ़ के बीजों को बोया था, उसमें इतना कठिन था कि एक ऊपर से काम चल रहे 20% पहले निकालना, फिर काम चल रहे ऊपर से इतने महंगे काम चल रहे कंस्ट्रक्शन के, वो भी तो वो डिफरेंट लड़ाई थी मेरी लाइफ में मरने की, पर भवन शुरू होने से पहले ये चीज शुरू की थी। तो बाद में मुझे पता चला जो मैंने ये बोया था उसके कारण मुझे ये काम करने का, चर्च के लिए अच्छे इंतजामों को करने का ग्रेस मिला है मुझे। हालेलुया, समझ पा रहे? तो ऑफरिंग आप वो, पर एक वाइट एनवेलप आप घर लेके जाएंगे, वाइट स्पेद वाला, उसमें आप अपने बलिदान को जमा करेंगे, सेव करेंगे, और 27 तारीख को आप उस अपने बलिदान को बोएंगे। और मैं स्पिरिट में फील कर रहा हूं, मुझे खुदा बड़ा सा बड़ा वरदान बलिदान बन के ऐसा करे। आपको पता है जब जब मैंने देखा, जब हम बलिदान होके आते हैं, आपको पता है आप पुलपट पर खड़े हो, आपको पता है मैं फास्टिंग के बलिदान के साथ पुलपट में खड़ा हूं, मैं बोने के बलिदान के साथ खड़ा हूं। मैं एक दिन शैतान बोल रहा कुछ नहीं होगा और मैं जा रहा हूं, वो फीलिंग से बताने की कोशिश कर रहा था कुछ नहीं होगा। मैंने कहा ओके शैतान, मुझे पता है मैं बलिदान होके आया हूं, मैं फास्टिंग की मैं आया हूं, मैं बो के आया हूं, मैं मर के आया हूं उपवास प्रार्थना में, पवित्रता में मर के आया हूं, और मुझे पता है खुदा बोलेगा और काम करेगा। हालेलुया, समझ पा रहे? ऐसे आपको बिलीव होता है। तो शैतान फीलिंगों से आपको ऐसा खेल नहीं पाता, खेल वो तब पाता है, तेरे रोजे भी नहीं है, तेरी प्रेयर भी नहीं है, तू तो पवित्रता में भी नहीं है, तेरा नहीं बनेगा। और आप कहते हैं हां सचमुच शैतान सच है, मेरा नहीं खुश होगा। समझ पा रहे? आप समझ पा रहे हैं? जब आप ऐसे बलिदान देंगे खुदा क्या करेगा आपके साथ?
तो बोने के बलिदान के साथ आएंगे। ऑनलाइन जितने लोग होंगे ऑनलाइन सीड निकालेंगे, वो ऑनलाइन सेंड करना शुरू करेंगे, उसी मीटिंग में वो सेंड करेंगे। मीटिंग खत्म होने के बाद, जब मीटिंग शुरू होने से पहले वो बो देंगे, मीटिंग शुरू हो रही है आज की मीटिंग के लिए, 27 तारीख मॉर्निंग बो दो, मीटिंग शुरू है। आप चर्च में आए व्हाइट एनवेल्प वो बोएंगे आप, प्लेन व्हाइट बस, और बिना एनवेल्प के कोई नहीं डालेगा, और वो स्पेशल बलिदान की ऑफरिंग होगी। हालेलुया। ओके, मेरा बिलीव है कि हम तैयार हो रहे हैं उस चीज के लिए स्पिरिट में। ओके, अगली बात, आपको पता है 3 दिन फास्टिंग पीरियड जब चर्च में हुई थी, कभी 3 दिन कभी 2 दिन, उस मीटिंग की टेस्टिमनीज रेगुलर आनी शुरू हुई। जब पूरी चर्च के लिए मैंने लेहैंड किया था फास्टिंग में 2:12-1 बजे तक, इतनी टेस्टिमनीज आई और इतने पास्टर खड़े हुए सेवक कहते उस मीटिंग में आए थे। मैंने कहा जिन्नी गैदरिंग बद की थी उस फास्टिंग में आए थे, 3 दिन आपने रगड़ा इतना चाड़ा हमारा। अरे कहीं हंस के ही बोलते ऐसे, समझ पा रहे, पूरा फास्टिंग में खींच के आपने पूरा जगा के रखा प्रेयर वचन, उसके बाद खुदा ने यूज किया, समझ पा रहे हैं। ओके, तो आप उस बलिदान के साथ आ रहे हैं, तो अगला ये बलिदान आपकी कैसे हेल्प करेंगे। ओके, आपके पास पवित्रता के बलिदान है, बोने के बलिदान आप तैयारी में, उसके बाद आपके पास कह सकते हो उपवास का बलिदान आज से आपके पास शुरू होगा। अब मैं आपको बताऊं, जैसे ये बहुत बड़ी कौन सी ब्लेसिंग लेके आते ये बलिदान, जैसे आप पवित्रता ही, वो स्क्रीन का टॉपिक रख देना, जैसे आप पवित्रता ही बलिदान और उपवास के साथ आते हो, एक होती है फास्टिंग प्रेयर। फास्टिंग प्रेयर पता क्या है, मतलब उपस्थिति के बिना फास्टिंग प्रेयर, जिसमें आपने फास्टिंग प्रेयर रखी कि उपस्थिति मिले पर आई नहीं अभी, समझ पा रहे हैं। पवित्र बलिदान के रूप में आग आई नहीं अभी, जी रहे पवित्र बलिदान में, जिसमें आपने, आपको भी पता है मैंने मेरी प्रेयर है ये, पर प्रेयर में उपस्थिति नहीं। कितनों को पता है कि जब प्रेयर में उपस्थिति होती है और जब प्रेयर में उपस्थिति नहीं होती, कितनों ने ये टेस्ट किया अपनी प्रेयर में, मैंने तो किया है, कितनों ने किया ये, आपको पता चल जाता है कि इस प्रेयर में उपस्थिति है या नहीं, किया है ना कभी लाइव में, तो वो ही चीज है। तो फास्टिंग प्रेयर मतलब फास्टिंग में वो उपस्थिति नहीं आई अभी, पवित्र बलिदान, बोने का बलिदान, उपवास का बलिदान, उपवास में जो प्रार्थना आप धीरे धीरे लड़ते करते हैं, मतलब कई लोग फास्टिंग में चल रहे हैं अभी। अब मैं आपको बताता हूं ये पॉइंट जो लाइन खुदा ने दी मुझे, अब फास्टिंग में चल रहे हैं, कई लोग फास्टिंग में प्रेयर नहीं कर पा रहे जितनी उन्हें करनी चाहिए। और क्या आप मेरे लिए हाथ उठा सकते, ऐसा है कुछ लोग फास्टिंग उतनी प्रेयर नहीं कर, फास्टिंग तो रखी है पर उतनी नहीं कर पा रहे, अगर आप मेरे साथ सहमत है जितनी आपको करनी चाहिए। ओके, नीचे कर लो। अब टाइम ये आ चुका है, जैसे आप फास्टिंग में मर रहे हो इस समय हम प्रेयर में मरेंगे। अब ये टाइम आ चुका है उस 27 तारीख की मीटिंग के लिए। प्रेयर में मरना क्या है, कल मुझे खुदा ने सिखाया कि अब ये टाइम आ चुका है, और मैंने ये अपने रिमाइंडर पर अपनी फोन की स्क्रीन पर लगाया है कि जैसे फास्टिंग में मर रहे हो ऐसे ही तुम्हें अब प्रेयर में मरना है। प्रेयर में मरना क्या है, जैसे अब 2-2 घंटे प्रेयर कर रहे हैं, घुटने टेक रहे हैं और घुटने ऐसे करने को आपका मन नहीं कर रहा क्योंकि आप एक बलिदान के रूप में, एक तो होती ना ऐसे कभी ऐसे फास्टिंग कभी खड़े वो प्रेयर, एक आपको पता नहीं पूरी मरी हुई प्रेयर करनी है। आप घुटनों पे आप प्रेयर कर रहे हैं, 2 घंटे प्रेयर करें, आप थक चुके हैं, थोड़ा सा ब्रेक लिया फिर से आप प्रेयर में आ गए, फिर से आप वचन में चले गए, फिर से आप प्रेयर में आ गए। और आपको जब टूट रहे होते, जैसे गर्मियों में पूरी गर्मी लग रही है प्रेयर में टूट रहे हैं, 2-3 घंटे लगातार, एक होता है 1-15-20 मिनट आधा घंटा प्रेयर करनी, एक होती 2-3-5 घंटे प्रेयर करनी, जब उसमें आप प्रवेश करते तो आपको पता है शरीर टूट रहा है, जैसे मूसा का टूट रहा था खुदा के सामने, जैसे इसकी, जैसे परमेश्वर के राजा हैं जो दाऊद होता था, बहुत सारे दास भविष्यवक्ता पौलुस होता था, वो इतना माता कूटता, इतने टूट जाते थे उनके शरीर, जैसे यीशु मसीह ने सारी रात प्रार्थना की जब चेलों को चुनना था, क्योंकि कॉलिंग, क्योंकि बुलाहट का बड़ा हिस्सा पूरा करना था, जब यीशु ने क्रूस उठाना था ज्यादा बड़ा हिस्सा आ गया, उस समय भी सारी रात प्रार्थना की। और कैसी होगी प्रार्थना, कि पसीना लहू बन के गिर रहा था, मतलब यीशु मसीह मर रहे थे प्रार्थना में, केवल प्रेयर नहीं कर रहे थे, फास्टिंग प्रेयर नहीं, फास्टिंग प्रेयर में मर रहे थे, टूट रहा था शरीर। जिस दिन आपको लगा ये लगा
कि फास्टिंग में मेरा शरीर टूट रहा है। पिछली मीटिंग मैंने बताया था ना कि मैं ऐसे खाना मेरे सामने दिख रहा है, मैं जान जान के की बने आज दिखाओ कि मैं और मरूं। हाँ ये बनाया ये बनाया, ओ या फेवरेट, ताजो मुझे मरना फील हो। जब मुझे मरना फील होगा तो मुझे बरना भी फील होगा। हालेलुया, समझ पा रहे हैं? तो जैसे आपको अब आपको एक लक्ष्य रखना है, जैसे मैं फास्टिंग में मरता हूं, पवित्रता के लिए मरता हूं, अब मुझे प्रेयर में मर के दिखाना है खुद को। क्योंकि उपस्थिति कब आएगी? जब आप पवित्र बलिदान, बीज के बलिदान, फास्टिंग के बलिदान, प्रार्थना में, प्रेयर के बलिदान में आएंगे। कौन से? चौथा बलिदान, ये प्रेयर का बलिदान। इसमें बोने का वरदान बलिदान ऐड कर लेना आज के टॉपिक में जो अभी हमने पाया है। ओके, पवित्र बलिदान, बोने का बलिदान, उपवास का बलिदान और प्रार्थना, इसे और डाल देना। मैं चाहता हूं इसे अलग कर दो, नहीं रहने दो इकट्ठे, उपस्थिति अच्छी है। उपवास प्रार्थना के आप बलिदान में आ रहे हैं, जिसमें आप फास्टिंग तो कर रहे हैं पर प्रार्थना का बलिदान भी आपका, आपको पता प्रार्थना भी मैं मर पा रहा हूं, ये भी अनुग्रह मिल गया खुदा की दया से बलिदान के रूप में। जब ऐसा बलिदान लेके तुम 27 तारीख को आओगे, परमेश्वर की उपस्थिति को ये लेकर आते हैं, प्रभु की उपस्थिति तेरी लाइफ में होगी यीशु के नाम में। हालेलुया। और जब उपस्थिति इतनी मेहनत करने के बाद मिलती है, वो ऐसा नहीं कि एक दिन आपने प्रेयर नहीं की वो चली जाएगी, वो वेट करती है आपकी निर्बलताओं में कि तूने इतनी मेहनत करके आयो। अगर तुम बड़ी गलती करो फिर तेरा मसला अलग है, पर वो आपको कई बार गिरा के, वो जल्दी अगर गिर भी गए फिर भी वो दया से आपको जल्दी उठा देता है। तो पवित्र बलिदान के रूप में आप आए तो समझे प्रेयर तो है पर उपस्थिति नहीं है। तो जैसे ही आज आप लेहन लेंगे आपकी फास्टिंग शुरू होगी। फास्टिंग के साथ कई लोगों की जो प्रेयर नहीं है, फास्टिंग आपकी प्रेयर के लिए मदद करेगी। तो जैसे ही आप पवित्र जीवन जीते हैं, तो क्या टॉपिक है, जैसे ही आप पवित्र जीवन जीते हैं, बलिदान का जीवन जीते हैं, उपवास का जीवन जीते हैं, तो वो आपको प्रार्थना करने की ग्रेस की ओर लेके जाता है। समझ पा रहे हैं? पवित्रता ही है तो वो आपकी फास्टिंग को ग्रेस देती है, फास्टिंग है तो वो आपको प्रेयर की ग्रेस देगी। अब जो आपकी फास्टिंग है, अब आपको प्रेयर की ग्रेस देगी वो, क्योंकि ये एक ग्रेस जुड़ी होती है एक के साथ। अगर आप उस फास्टिंग में खड़े रहें तो आपको वह प्रार्थना की ग्रेस मिलने वाली है, प्रार्थना में उपस्थिति में ग्रेस मिलने वाली है, आपको उस तक पहुंचना है। हालेलुया। वो महिमा देखने वाली, जैसे मूसा ने कहा मुझे अपनी महिमा दिखा दे, मुझे अपना तेज दिखा दे। हालेलुया। तो ये एक चीज दूसरे के साथ जुड़े हुए। हालेलुया। तो अब प्रेयर में आपको हल्की हल्की सी उपस्थिति आपको मिलनी शुरू होगी, उपस्थिति आपके लिए बढ़नी शुरू होगी। समझ गए ना? आज ले हैंड के बाद, फास्टिंग के बाद आपकी प्रेयर शुरू होगी और उपस्थिति बढ़नी शुरू होगी, और 27 तारीख को वो उपस्थिति आपके जीवन में इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि वो उपस्थिति आपकी लाइफ में अभिषेक और दानों वरदानों को लेकर आएगी यीशु मसीह के नाम में। ये लाइन मुझे समझाने के लिए इतना लंबा पापड़ बेलना पड़ा। समझ पा रहे हो? पूरा लंबा समझाना पड़ा। समझ पा रहे ना? तो आपको एक टाइटल में, आपको फ्लेक्स में पढ़ने को मिला होगा, उस दिन प्रेयर होगी, ले हैंड दानों वरदानों को आप पाएंगे। अकेला दानों वरदान नहीं, मतलब अभिषेक आपकी लाइफ में, अभिषेक और दानों वरदानों को आप पाएंगे। अभिषेक जरूर उसमें ऐड करना। तो अभिषेक दान वरदान क्या लेके आते हैं? उपस्थिति। उपस्थिति कहां से आती? बलिदानों के बाद। अगर एलिया ने आग उतारी वेदी पर तो एलिया के बलिदान बोल रहे थे। परमेश्वर के सामने बैठा रहना प्रार्थना में, जिस परमेश्वर के सामने मैं बैठा रहता हूं उसका प्रार्थना में मरना, उसका वो बलिदान बोलता था। जब वो खुदा को कुछ काम करने को बोलता था, खुदा कर देता था, उसका वो बलिदान बोलता था। खुदा को उतारने के लिए बलिदान चाहिए। एक वर्शिपर को अगर खुदा को उतारना है चर्च में अपनी आराधना करने के द्वारा, आज लोग बहुत सारे वर्शिपर्स हैं आराधना करते हैं, पर अगर वो मेरे इस बात को सुने तो एक वर्शिपर का मतलब है लोगों के बीच में आराधना करनी और परमेश्वर को उतारना लोगों के बीच में, उपस्थिति की। जब प्रभु का दास आए उसे उपस्थिति के लिए, वो खुदा के साथ होके आया, तुम लोगों को उपस्थिति के लिए मैं अटैच होने के लिए तैयार कर रहे हो, और दास आए और बस प्रेयर करे, लोगों के बीच में काम हो। तो आराधक का काम है परमेश्वर की उपस्थिति को लोगों के बीच में उतारना। तो जितने भी आराधक हैं, पवित्र बलिदान होना
उपवास में बलिदान होना, प्रार्थना में बलिदान के रूप में मरना, बोने के बलिदान के ऊपर मरना, अगर आप ऐसे इन चार कामों को करके आप पुलपट में बलिदान होकर खड़े होंगे, आप देखेंगे उपस्थिति पास्टर जब आएगा वो बोलेगा इतनी गहरी उपस्थिति यहां पर कैसे, खुदा पहले से यहां पर मौजूद है। हम ये प्रार्थना नहीं करेंगे कि पवित्र आत्मा आ, कोई भजन नहीं गाएंगे, परमेश्वर का आत्मा यहां पर पहले से मौजूद है। हाथों को उठाओ, प्रभु आपको छूने जा रहा है। मैं महसूस कर रहा हूं जब मैं आया कि खुदा की अद्भुत उपस्थिति है। हालेलुया, समझ पा रहे हैं? ऐसा आराधक करना शुरू करना, जितने भी वर्षी पर उठ रहे हैं प्रभु की महिमा के लिए गा रहे हैं, आपको केवल एक अच्छा सॉन्ग नहीं देना, बिना मसा से भरा हुआ नहीं, मसा के साथ, केवल अपने टैलेंट से भरा हुआ सॉन्ग नहीं देना, अपने बलिदानों से भरा हुआ सॉन्ग देना। जब लोग सुने उसे यूट्यूब पर, तेरे बलिदान उस व्यक्ति के लिए बोले और उसे फ्री करे यीशु नाम में। हालेलुया, तो समझ पा रहे हैं? तो ऐसे वो आपकी लाइफ में उपस्थिति आपकी लाइफ में क्या करेगी, उस समय जब आप पवित्र बलिदान के रूप में उपस्थिति के साथ आएंगे तो वो उस समय आपकी लाइफ में अभिषेक और दान वरदानों को उपस्थिति लेके आएगी। दान वरदान अभिषेक आने से पहले, मसा आने से पहले, सामर्थ आने से पहले उपस्थिति आती है, और उपस्थिति आने से पहले बलिदान आते हैं, मरना आता है। हालेलुया, अभिषेक और वरदान, वरदान आने से पहले आपको टूटना और मरना होगा। क्या आप इन 9 दिन टूटने और मरने के लिए तैयार हैं? हां जाना, यस, वेरी गुड। आप तोड़े जाते हैं अभिषेक के लिए, क्या आप टूटने के लिए तैयार हैं? तो उस अभिषेक को लेने के लिए, दान वरदानों को लेने के लिए भी तैयार रहना। स्थाई तारीख, अब समय आ चुका है कि आप उपवास प्रार्थना में टूटें और मरें, और उस स्थाई तारीख को आप दान वरदानों और अभिषेक को ग्रहण करें, फिर आप अपनी बुलाहट में काम करें। अगला काम मुझे खुदा ने जो बोला है, परमेश्वर ने कहा सेवकों को खड़ा कर, नए सेवकों को खड़ा कर, जो सेवा पास्टर, पास्टर ऑलरेडी खड़े हैं, मेंटरशिप में ऑलरेडी लोग हैं, जितने भारत से देख रहे हैं मुझे, ये स्थाई तारीख को आपको आना है जी। अगर आज आप चर्च में, तो मेरी आवाज को सुनना, अगर आप की बुलाहट आप फील कर रहे हैं, आप ठान चुके हैं, मतलब थोड़ा मोटा तो चिन्ह होता है, जब मैं 13 में 11 12 में भी, मुझे 1-2 साल मसीह में आए थे, मुझे फील होना शुरू हो चुका था कि मतलब इन चीजों में जाना है मुझे अंदर से, वो तैयारी के द्वारा। अगर आप सेवा करना चाहते हैं, आप ओपन सद्दा है मेरी ओर से, अगर आप सेवा करना चाहते हैं, अगर आप पास्टर बनना चाहते हैं, एक स्पिरिचुअल लीडर बनना चाहते हैं, मतलब एक आत्मिक काम में लोगों की अगुवाई करना चाहते हैं, वो पास्टर के रूप में आपकी बुलाहट चाहे कोई भी हो, आने वाले समय में प्रेरित हो, प्रॉफिट हो, हीलर हो, सुसमाचार प्रचारक हो, प्रार्थना योद्धा हो, आप लोगों की अगुवाई करने वाले किसी भी तरह के लीडर हो, अगर आप स्पिरिचुअल लीडर के रूप में काम करना चाहते हैं, सारे जीवन भर खुदा को समर्पित करना चाहते हैं, तो मैं आपको सिखाऊंगा, मैं आपको एक मीटिंग में आमंत्रित करूंगा, मैं आपकी अगुवाई करूंगा, और आपकी लाइफ में परखने के बाद, सिखाने के बाद आपके ऊपर अभिषेक रिलीज करूंगा। अगर आपको मेरे साथ मिलकर सेवा करनी सारी जीवन भर, स्पिरिचुअल लीडर मेरे पास है चर्च में, जो घरों में हाउस प्रेयर के लिए भेजे जाते हैं, फोन पर प्रेयर करते हैं, कॉल सेंटर में जहां लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए भेजे जाते हैं, तो अगर आप जब पास्टर के रूप में मैरिज पढ़ने जाते हैं, लोगों के घरों में मीटिंग करने जाते हैं, हाउस मीटिंग करते हैं, अगर आपको हाउस मीटिंग करवानी है, मेरे स्पिरिचुअल लीडर चेले जो चर्च में तैयार किए वो आपके घरों में आएंगे, अगर आप मीटिंग करवाना चाहते हैं 100 लोग 50 लोग, वो वहां पर खुदा के काम करेंगे, आपको बस लिखाना है पीछे कि मुझे घर में प्रार्थना करवानी है 15 लोगों को इकट्ठा करके सुसमाचार सुना के, स्पिरिचुअल चर्च के योद्धा आए और वो चर्च का अनॉइंटिंग ऑयल के साथ आएंगे और वहां पर खुदा अद्भुत काम करेगा। अगर आप सारी लाइफ यही सेवा करने के लिए रुकना चाहते हैं तो आपको यहां के लिए समर्पित करके जाना है, अगर आप यहां पर सीख के बाहर अपने भारत से आए हो वहीं जाना चाहते हो तो वहीं जाना, पर अगर जितने लोग सेवा में आना चाहते हैं, या सेवक सेवा में आना चाहते हैं, जो अभी मेंटरशिप में भी नहीं, जो सेवा में आना चाहते हैं, जो थोड़ा थोड़ा सा उठे, मतलब वो चर्च में पीछे बैठने से आगे बैठने लगे, सभी नहीं ऐसा होते, तो बस वो उसके बाद वो और आगे बढ़ने वाले होते हैं, क्योंकि वो भूखे बहुत होते हैं, उनके कुछ चिन्ह उन्हें पता होते हैं कि मैं खुदा के लिए डिफरेंट हूं, मैं बाकियों की तरह नहीं, तो मुझे खुदा के लिए डिफरेंट कामों के लिए समर्पित करना है। अगर आज कोई लोग, तो जो लोग सेवा में अपने आप को देना चाह, मतलब वो सेवा नहीं, अब मैं कह रहा हूं
टेंट दरिया बिछाना वो नहीं, स्पिरिचुअल लीडर के रूप में। तो आज मैं प्रेयर करूंगा, परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें करना शुरू करेगा। आज मैं स्पिरिचुअल लीडर की ग्रेस आपके ऊपर प्रेयर करूंगा उस ले हैंड में, कि अगर आप एक स्पिरिचुअल लीडर के रूप में बुलाए गए हो तो खुद आप पर जाहिर करे और इस मीटिंग में मेरे साथ उस मीटिंग में आपको भेजे और जोड़े और आपको तैयार करे और आपको भेजे। फिर परमेश्वर ने बोला सेवकों को चुन, खड़ा कर, अभिषेक कर और उन्हें भेज। तो मेरा ये संदेश के लिए आपको तैयार रहना है। आपको आप इसमें आना चाहते हैं, आप चर्च टीम में भी हो, नाम लिखाना है आपको। आप ब्लेंटियर में नाम लिखाना है आपको। आप पास्टर हो, नए नए चर्च में आए हो, अभी बस 10-15 लोग वैसे कर रहे हो पर आप खड़े होना चाहते हैं बड़ी सेवकाई के लिए, नाम लिखाना है। और उसके बीच जो मेंटरशिप में नहीं भी है अभी तक आए, जो पास्टर अगर सेवा कर रहे हैं तो वो भी नाम लिखाएं, क्योंकि उनके लिए मैं डिफरेंट मीटिंग करूंगा। जो मीटिंग उनके लिए डिफरेंट डे होगा उनके लिए डिफरेंट, जो ऑलरेडी सेवा में उनके लिए डिफरेंट टीचिंग होगी, जो बिल्कुल सेवा में नहीं है उन्हें कैसे बढ़ना है। मुझे खुदा ने पहले ही सिखाया था, 20 दिन लगातार सिखाया कि सेवा में ऐसे 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 करना है। फिर एक टाइम आया, मैं परखा गया उन बातों में, और फिर टाइम आया खुदा ने मुझे वरदान दिए और उन चीज़ों को काम करने का मौका दिया। पहले आप सिखाए जाते हो, यीशु सीखा फिर वो करता रहा, जो उसने यीशु ने करता आया वही सिखाता आया। पहले आपको करना है, सीखना है, फिर आपको करना है। तो आपको उसके लिए भी नाम लिखाना है। खुदावंद आपको टच करेगा और मैं फिर आपको नाम लिखाना है, फिर मैं बताऊंगा वो मीटिंग कब होगी, किस महीने में होगी। वो केवल आपको पोस्ट आएगी उन स्पीचर लीडर को जो पास्टर बनना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं फ्रंट पे, तो उनके लिए अब डिफरेंट मीटिंग होगी। स्पिरिचुअल सन के साथ नहीं होगी, पास्टरों के साथ जो उनके लिए शिक्षा नहीं होगी। तो जैसे डिसाइपल तैयार किए थे तो अभी इस डिसाइपलशिप में सभी नहीं आएंगे। अगर कोई डिसाइपलशिप मीटिंग में अटेंड करके जा चुका है और स्पिरिचुअल लीडर इस मीटिंग में आना चाहता है तो वो आप रिपीट उसमें आ सकते हैं। जो डिसाइपलशिप में स्पिरिचुअल लीडर खड़े हुए थे, इस डिसाइपलशिप मीटिंग में स्पिरिचुअल लीडर खड़े ही हैं, कुछ काफी चुनेंगे। और अमृतसर तुम इसी अगर आप वीडियो वॉच करें तो सबसे इतना उस दिन काम था जब मैंने ये खुदा का काम को किया था, 4-5 लाख उस लाइव मीटिंग को लोग देख चुका है, जो म्यूजिक स्कूल और डिसाइपलशिप मीटिंग के लिए प्रेयर हुई थी। मैंने कहा लाइव कर दो, ये देखने दो जो खुदा कर रहे हैं इनके बीच में, समझ पा रहे? सबसे ज्यादा देखी जाने वाली वो वीडियो। खुदा, इसका मतलब खुदा डिफरेंट आपकी लाइफ में कुछ करना चाहता है आने वाले दिनों में। 12 से 5 सुन रहे हैं, नाम लिखाओ, आपके लिए वो मीटिंग होगी। जैसे क्रूसर्स होते हैं, अब टाइम आएगा, अब मैं पास्टर्स मीटिंग शुरू करूंगा पंजाब, यहां भी और बाहर भी। और देखना, प्रभु ने मुझे दिया अब, क्योंकि सेवकों को खड़ा कर, अभिषेक करके खड़ा कर, उन्हें भेज। तो तैयार रहो इस अगली कॉलिंग के लिए जो इस अक्टूबर महीने की ग्रेस में खुदा आपको दे रहा है। हालेलुया, खुदा का काम बढ़ेगा। एक पीढ़ी खड़ी हो रही है, एक सेना खड़ी हो रही है, राज्य का सुसमाचार फैल रहा है, बढ़ रहा है, तैयार हो जाओ। और अगली बात, अब आप एक प्रेयर करेंगे, हम प्रेयर में जाएंगे, स्पिरिचुअल प्रेयर में। वो प्रेयर कौन सी होगी? कई बार आप अपनी लाइफ में फैसले करते, एक लाइन और मुझे दी है खुदा ने, कि अपनी लाइफ में आप फैसले करते आत्मिक जीवन में, पर आप नहीं कर पाते। आत्मिक जीवन के लिए कुछ आप फैसले करते, सुनो बात को ध्यान से, पर आप उसे नहीं कर पाते। आप फैसला करते मैं आज से प्रेयर करूंगा, रोजे रखूंगा, पवित्रता में चलूंगा, सुसमाचार सुनाया करूंगा, चर्च में ये काम शुरू करूंगा, ऐसा करूंगा, क्रूसर करूंगा, मीटिंग्स करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। कुछ आत्मिक आप फैसले करते हो पर आप उसे नहीं कर पाते। जब फैसले करते नहीं, फैसलों की चाहत रखते हैं पर फैसला ले ही नहीं पाते। जब फैसला लेते हो पूरा नहीं कर पाते। एक शिक्षा मैं आपको दूंगा, तो आप लगातार फैसले करते हैं पर आप काम नहीं कर पाते, पर आप कर नहीं पाते। तो मेरी सलाह है आपके लिए, लगातार फैसले नहीं, आपको क्या करना है? आपको लगातार फैसले नहीं करने। तो लगातार करने वाली कौन सी क्रिया है? आपको लगातार पवित्र आत्मा की सहायता मांगनी है और प्रभु की दया मांगनी है, भूख प्यास के साथ। समझ पा रहे? आप फैसले करते जाते टूटते जाते, आप फैसलों की इच्छा रखते जाते कर नहीं पाते। तो क्या करना है? जो भी आत्मिक क्रियाएं आप चाहते हैं, आप लगातार आपको पवित्र आत्मा की सहायता मांगनी, पवित्र आत्मा मदद कर, मदद कर, मदद कर, मदद कर। 15 दिन हो गए प्रेयर करने की कोशिश करते, नहीं हो रही, मदद कर, सहायता कर, पवित्र आत्मा मदद कर, मेरी सहायता कर, प्रभु मुझ पर दया कर। ठीक है ना?
प्रभु दया कर, पवित्र आत्मा सहायता कर, पिता दया कर, पवित्र आत्मा सहायता कर, पिता दया कर, दया कर। रोजे रखने की कोशिश कर रहे, एक महीना हो गया कोशिश कर रहा हूँ, अभी तक रोजे नहीं रख पाया, प्रभु दया कर, पवित्र आत्मा सहायता कर, सहायता कर। ओके, आप लगातार कर रहे, रोज रोज लगातार, एक बार ही बोलने वाली नहीं, बोला था 10 दिन पहले 15 दिन पहले, नो, लगातार आप बोलो, लगातार पवित्र आत्मा प्लीज, अकेले जाओ, छत में जाओ, चलो फिरो, रोज कोशिश करो, 5 मिनट प्रेयर कर पा रहे हो, 2 मिनट कर पा रहे हो, नहीं भी कर पास करो, आत्मा केवल सहायता कर, कृपया कर, सहायता कर, लगातार आप उसकी सहायता के लिए, दया के लिए और भूख और प्यास के साथ इस चीज को मांगे, तो लगातार फैसले करने नहीं, लगातार पवित्र आत्मा की सहायता मांगो, तो पवित्र आत्मा फिर आपको उस काम करने के लिए सहायता करेगा और आप वो फैसला ले पाएंगे जो आप चाहते हैं। हालेलुया। और उसके बाद क्या होगा, परमेश्वर फिर उस फैसले को जो परमेश्वर ने शुरू किया, आपने नहीं, आप समझे थोड़ा सा, एक होते फैसले आप लेते हैं, मैं इतने रोजे रखूंगा, आप रखना चाहते हैं, आप शुरुआत करना चाहते हैं, एक होता है शुरुआत आप नहीं कर रहे, आप उसकी रोज सहायता मांगते, दया मांग रहे हैं और वो आपकी सहायता करता है, और वो फैसला जो आप लेना चाहते हैं उसमें परमेश्वर उस फैसले को लेने में आपकी सहायता करता है, पवित्र आत्मा सहायता करता है, दया करता है और आपको ग्रेस देता है। फिर जिसने वो जो ग्रेस दी है, फिर उस फैसले की दी हुई ग्रेस को अपना फैसला बना लो कि प्रभु जो तूने ये अपनी सहायता से मुझे ये फास्टिंग, ये प्रेयर, ये पवित्र बलिदान, ये बोने का बलिदान देने की ग्रेस दी है, मुझे उसने बोने की ग्रेस दी थी, मैंने उसे फैसला बना लिया, मुझे उसने पवित्रता की ग्रेस दी थी, मैंने उसने अपनी लाइफ के फैसले बना लिए, मुझे उसने पवित्र आत्मा के बिना मैं कुछ भी नहीं हूं ये एक टाइम ग्रेस दी थी, मैंने उसने अपनी लाइफ का फैसला बना लिया। क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है, जिस काम की वो आपको ग्रेस दे, सहायता करे, बाद में वो आपका फैसला बन जाए, क्योंकि बाद में आपको साबित करना होता है। इसलिए लास्ट इसी बात से खत्म करता हूं कि आपको पवित्र आत्मा का सहयोग करना है उस ब्लड को पूरा करने के लिए जिसके लिए आप पहले से ही चुने गए हो। सहयोग करना क्या है, कि आप पवित्र बलिदान में उसका सहयोग कर रहे पवित्र आत्मा का, आप उपवास में बलिदान बन के सहयोग कर रहे पवित्र आत्मा का, आप बोने का बलिदान बन के आए हो, आप सहयोग कर रहे पवित्र आत्मा का, आप प्रार्थना में रोज टूट कर बलिदान बन के आयो, आप सहयोग कर रहे पवित्र आत्मा का, और इस तरह फिर पवित्र आत्मा आपको उस उपस्थिति के अभिषेक को देकर, अपनी सामर्थ को देख के, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे, जरूसलम जूदिया पृथ्वी की शोर तक तुम मेरे गवाह होंगे, अंत के दिनों में उसने अपना आत्मा कहा, सब नुक्शों पर उंडेल दूंगा, तुम भविष्यवाणी करोगे, दानों वरदानों से भरोगे, मैं नहीं चाहता तुम वरदानों के विषय में जान रहो, तुम बड़े से बड़े वरदान की धुन में रहो, परमेश्वर ने चाहा कि मैं तुम्हारे पास आऊं, तुझे एक उत्तम वरदान दूं, फिर वो आपके लिए से बोलता है कि मैंने तुम इसलिए चुना है कि ये काम के लिए तुझे भेजूं, वो आपसे बातें करता है उपस्थिति में, कि आप तैयार हैं आज बड़ी मीटिंग में, इस बड़े स्ट्रांग लॉन्ग वचन में, ये आपके लिए स्पेशल है कि आप इसके लिए तैयार किए जाओ। हालेलुया।